नमस्कार, मैं हरेंद्र सिंह परमार आप लोगों का स्वागत करता हूं बुंदेलखंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज का जो मेरा विषय है बहुत गंभीर विषय है, युवाओं को लेकर है। और आज अगर युवा नहीं भड़के, अगर आज युवाओं ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि आप मानसिक गुलाम हो। आपके लिए मैं कभी आवाज़ नहीं उठाऊंगा यहां से यूट्यूब के माध्यम से। आप लोगों को अगर अपने दिल की आवाज़ पहुँचाना है, इस वीडियो को आपको शेयर नहीं करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ सरकारों से, मैं कहना चाहता हूँ नेताओं से, मैं कहना चाहता हूँ सभी जिलों में पदस्थ कलेक्टरों से यानी कि DM साहब से कि भैया इन युवाओं के भविष्य अब आप लोगों के हाथ में है। इन युवाओं का कहना होता है कि मुझे ज़िंदगी एक बार मिली है, एक बार फौज की वर्दी मुझे पहननी ही पहनना है, क्योंकि वो परफेक्ट है इस काम के लिए, उनका फिजिकल अच्छा है, वो पढ़ाई में स्ट्रांग है, वो इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, आप तो उनको एक बार मौका दीजिए। लेकिन वो मौका अब नहीं मिल रहा है क्योंकि इस कोरोना की वजह से उनके जो 2 साल है वो निकल चुके हैं, ओवरेज हो चुके हैं लड़के। और जो लड़के अभी ओवरेज नहीं हो गए हैं वो 2 भर्ती कम से कम देख सकते थे, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब इन लोगों का जो राष्ट्र प्रेम है, देशभक्ति है, वो इन नेताओं के हाथ में है। आप लोग चाहो तो हकीकत में इनको बचा सकते हो, इनके सपने साकार कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही एक सपना देखा था फौज में जाने का, वो इस कोरोना की वजह से अब नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वो ओवरेज हो चुके हैं। तो कम से कम 2 साल की छूट इनको मिलना बहुत आवश्यक है, कम से कम 2 साल की। अगर आप 6 महीने या 3 महीने एक देते हो तो इनसे कुछ नहीं होने वाला है, लड़के ओवर हो चुके हैं। जो लड़के राइफलमैन बन सकते थे वो अब ट्रेड में जाएंगे, और अगर अभी भी भर्ती नहीं है, जो लड़के ट्रेड वाले हैं वो ज़िंदगी में कभी फोर्स में भर्ती नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गंभीर समस्या है। समस्या भैया इसमें गलती लड़कों की किसी प्रकार से, जनता ही इसमें कोई गलती नहीं है एक प्रकार भी। अगर आपने वैकेंसी नहीं निकाली तो उसका रीज़न ये था कि कोरोना महामारी थी। तो आपका फ़र्ज भी बनता है कि जब इन युवाओं ने आपके रूल नियम फॉलो किए तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप अब इन युवाओं के लिए 2 साल ही कम से कम छूट देना ही होगा आप लोगों के लिए, तब इनके जो सपने वो पूरे हो सकेंगे। वो हकीकत में एक अच्छे नेताओं का, अच्छी सरकारों का ये फ़र्ज बनता है कि इनके 2 साल जो ख़त्म हो चुके हैं भर्तियों के लिए वो इनको वापस दिए जाएँ। तो कहीं ना कहीं इन युवाओं के जो एक ब्रेक लग गया है लाइफ में वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि जो आर्मी की जो उम्र सीमा होती है वो बहुत कम होती है, अगर एक बार निकल गई तो फिर बाद में इनको ज़िंदगी में कभी मौका नहीं मिलेगा। तो मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, शेयर नहीं कर सकते तो इस वीडियो यूट्यूब के माध्यम से बुंदेलखंड एकेडमी के माध्यम से ऐसी आवाज़ें कभी उठाई नहीं जाएंगी, क्योंकि वो वीडियो वहीं पर रह जाते हैं। जय हिंद।